अरे राहुल, एक चीज बताना मेरे को। सबको तो राशन बराबर बराबर दे अरे देते हो और मेरे को भी बराबर दे देते हो, लेकिन मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि मेरे को चावल क्यों नहीं देते हो तुम। सबको तो चावल दे देते हो लेकिन मेरे को चावल नहीं देते हो। मेरे में ऐसी क्या कमी है जो आप नहीं देख पा रहे हो या देख पा रहे हो, लेकिन हमको क्यों नहीं देते हो तुम, बताओ तो मेरे को एक बात। योगी जी, ऐसे तो कुछ नहीं है, कोई बात भी नहीं है, पर बात यही है कि सरकार ने आपके लिए चावल नहीं दिया है, क्योंकि आपके परिवार में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ दो ही लोग हैं, इसलिए आपको चावल नहीं दिया जाता है, सिर्फ गेहूं और गेहूं भर ही मिलेगा, क्योंकि आपके परिवार में ज़्यादा लोग नहीं हैं। जिनके परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं ना, उनको चावल दिया जाता है। आपके परिवार में कौन से ज़्यादा लोग हैं? एक बात बताना मेरे को, आप रोटी रोटी खाते हो या चावल भी कभी कभार खा लेते हो? अगर आप चावल नहीं खाते हो तो मेरे को भी चावल मत देना। अगर आप रोटी और चावल दोनों खाते हो तो यार मेरे को भी तो चावल दे दिया करो कभी कभार। हर महीने ना दिया करो तो एक आध महीना छोड़ के एक आध महीना में दे ही दिया करो, क्योंकि कौन सा सरकार को पता लगने वाला है कि चावल ये भी लेके जा रहा है। हम तो तुम्हारे उससे लेके जा रहे हैं, किसी से काट लिया करो, जिससे भी काटना हो थोड़ा थोड़ा काट के मेरे को 1-2 किलो चावल कर दिया करो। अरे योगी, बात वो नहीं है, बात तो यहाँ पर है ना कि आपके परिवार में ज्यादा लोग नहीं है। आप दो चार परिवार के दो चार लोगों को जोड़ लीजिए अपने परिवार में, तो चावल भी मिल जाया करेगा और आपका काम भी हो जाया करेगा, आपको चावल भी मिल जाया करेगा खाने के लिए। ऐसे में हम किससे काटेंगे, किसके खाते से काटेंगे चावल और आपको दे देंगे? ऐसे में लोगों को बुरा नहीं लगेगा, हम दूसरों के साथ में अन्याय नहीं ना करना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं काट सकते हैं। और चावल हम भी खाते हैं और चावल आप भी खाते हो। अगर आपको चावल खाने का मन करे ना, तो आप दुकान से चावल खरीद लिया करो और फिर आराम से खा लिया करो, यहाँ नहीं मिलने वाला और ना यहाँ पे आपकी दाल गलने वाली है। अरे राहुल, मेरे को एक बात बताना, सरकार ने क्या अलग अलग राशन कार्ड बनवा रखे हैं क्या, कि सबको एक ही बना रखे हैं, या दो परिवार वाले को अलग बना रखा है, या सरकार ने कह रखा है कि दो परिवार वाले को चावल मत देना, सबको बराबर का हिस्सा मिलता है, सबको चावल मिलना चाहिए, सबको गेहूँ मिलना चाहिए और सबको सारा राशन मिलना चाहिए, इसलिए आप सबको राशन मिलेगा और सबको चावल दाल